वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 2020 के पहले धमाके के बारे में, यानी कि मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में। वेल फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत बहुत खराब है, जितना कोशिश होगा मैं आवाज निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में मैं आप लोगों को उसकी एडवांस बुकिंग अपडेट, कितनी की एडवांस बुकिंग हुई है, कितने शोज मिले हैं, क्या ऑक्यूपेंसी चल रही है फिल्म की, कितने फास्ट फिलिंग है, कितने हाउसफुल शोज है, कितने शोज इसे मिल सकते हैं, कितने स्क्रीन्स लेकर इंडिया में लगेगी, सेंसर सर्टिफिकेट, सेंसर रिपोर्ट, इसकी बज एंड गाइस सेंसर में कितने सीन्स कट हुए हैं, कौन सी रेटिंग मिली है, तो सारे की सारी चीजें तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में आज से मैं आपके सामने लाऊंगा। क्योंकि गाइस अभी सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे थर्सडे दो दिन बचे हैं, फ्राइडे को यानी कि जुम्मा को ये फिल्म आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमा घरों में लग जाएगी। सबसे पहले शुरू करते हैं सेंसर रिपोर्ट से तानाजी द अनसंग वॉरियर की। वेल फ्रेंड्स, बात करें सेंसर रिपोर्ट की, तो सेंसर रिपोर्ट ऑफ तानाजी द अनसंग वॉरियर इज क्रैकिंग, इट्स मैडनिंग, पीपल हु हैव सीन इट इन द सेंसर हैव रेव्ड सो मच अबाउट दिस फिल्म। लेकिन गाइज, जब कोई हिस्टोरिकल फिल्म आती है उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अहम हिस्सा रहता है वो डिस्क्लेमर्स। सिर्फ और सिर्फ सेंसर में इसे डिस्क्लेमर्स मिले हैं, यानी कि कई कई जगहों पर आवाज म्यूट करने कहा गया है या फिर कोई डिस्क्लेमर लगाने गया है। स्टार्टिंग के फिल्म में एक डिस्क्लेमर लगाया गया है, बीच में एक डिस्क्लेमर लगाया गया है, एंड गाइज बस एक 16 सेकंड का कट दिया गया है इस फिल्म को, एंड द फिल्म हैज पास्ड विदाउट एनी कट्स। द ऑफिशियल रन टाइम ऑफ तानाजी द अनसंग वॉरियर इज 2 hours 14 minutes and 36 seconds, यानी कि 134 minutes 36 seconds, बहुत ही क्रिस्प रन टाइम दिया गया है। एंड गाइज, यूए रेटिंग मिली है तानाजी द अनसंग वॉरियर को। अब बात करते हैं एग्जीबिटर स्क्रीनिंग की। एग्जीबिटर स्क्रीनिंग्स कभी भी झूठ बयान नहीं करती। पहले जमाने में एग्जीबिटर्स को पूरी की पूरी फिल्में दिखा दी जाती थी, लेकिन अब एक नया चाल चलन आया है, गिव योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यू नो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एंड जब भी क्लैशेज होती है, यू नो इट इज बेटर टू शो योर फिल्म टू द एग्जीबिटर, यानी कि जितने महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो दिखा दो। आई स्टिल रिमेम्बर जब संजू की एग्जीबिटर स्क्रीनिंग रखी थी, विदो विनोद चोपड़ा ने एंड राजू हिरानी ने, पब्लिक फ्रॉम द साउथ यानी कि साउथ के एग्जीबिटर्स गए थे जो फॉक्स के साथ मिलकर फिल्म एग्जीबिट कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये फिल्म 100 दिन चलेगी। एंड गाइज, वो फिल्म आज कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एग्जीबिटर्स को तानाजी द अनसंग वॉरियर की ऑलमोस्ट 45 से 40 मिनट की फिल्म दिखाई है, एंड जितने लोगों ने भी ये देखा है उन्होंने एक बात कही है कि ये फिल्म बोरिंग नहीं होगी, यानी कि इट इज फास्ट पेस्ड। यूजुअली हिस्टोरिकल फिल्म्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनका जो स्क्रीन पे रहता है वो बहुत ही स्ट्रेच रहता है, नरेटिव जो रहता है वो बहुत ही इंटरकनेक्टेड रहता है और काफी कंफ्यूज हो जाती है ऑडियंस। पानीपत के साथ यही हुआ था, पब्लिक पक गई थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन तानाजी लुक्स पॉलिश्ड, इसका 3D फाड़ होने वाला है, एंड द रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसलिए एडवांस बुकिंग रिपोर्ट जो भी आए, ये फिल्म काउंटर द टिकट सेल्स यानी कि ओवर द काउंटर वॉक इन ऑडियंस की वजह से ही फिल्म चलने वाली है। अजय देवगन की फिल्मों की एडवांस बुकिंग कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही है गाइस। वो आदमी मास महाराजा है, ऑन द स्पॉट टिकट बिकती है अजय देवगन की फिल्मों की, तो उनकी फिल्मों से एडवांस बुकिंग की अपडेट रखना या फिर ह्यूज एक्सपेक्टेंसी रखना ये सही नहीं होगा। अजय देवगन की फिल्मों की एडवांस बुकिंग टॉप 10 में भी नहीं है अभी फिलहाल, इसीलिए इस फिल्म के लिए भी हमको इसकी करंट बुकिंग पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। ओके गाइस, सो मैंने ये सेंसर रिपोर्ट डिस्कस कर लिया, मैंने इसकी रेटिंग डिस्कस कर ली, इसकी एग्जीबिटर स्क्रीनिंग रिपोर्ट डिस्कस कर ली, एंड गाइस इसके बाद कितने कट्स मिले ये भी बता दिया आप लोग को। अब बात करते हैं बुक माय शो पे दिस फिल्म इज रनिंग एट अ वॉपिंग 86,000 इंटरेस्ट, जो कि बहुत जबरदस्त फिल्म के लिए। एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए इवन एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताने से पहले, वो ये कि ये कल को ईद नहीं है, 10 तारीख को दिवाली नहीं है, 10 तारीख को क्रिसमस नहीं है, दिवाली ईद क्रिसमस एंड कोई बड़ी इवेंट पे आने वाली ही फिल्में एडवांस बुकिंग तगड़ी लेती है, ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। नंबर 1 नंबर 2, ये ऐसे समय रिलीज हो रही है जहां पर साउथ में ये फिल्म को स्क्रीन मिलना नामुमकिन के बराबर है। यू गाइस, बात करें आंध्र प्रदेश निजाम की, तो आला वैकंठपुरम लो एंड सर नेहरू निकेवरू यानी कि महेश बाबू एंड अल्लू अर्जुन की फिल्में ये इतने स्क्रीन ले लेगी कि इसे शायद ही अच्छे खासे स्क्रीन मिले या शोज मिले इन हैदराबाद एंड निजाम एंड आंध्र प्रदेश टेरिटरी। लेकिन वहां पर दरबार का भी तेलुगु वर्जन आ रहा है, तो एक किसकी कठिनाइयां और बढ़ा देगा। एंड गाइस, बात कर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में अगर रजनीकांत जी की फिल्म लग गई तो सामने स्क्रीन मिलना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है। लेकिन गाइस, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरी की पूरी कोशिश करेंगे इसको स्क्रीन दिलाने के लिए इन द साउथ टेरिटरी। लेकिन गाइस, मैंने पहले भी कहा है, मैं आगे भी कहता रहूंगा, स्क्रीन शोज
महत्वपूर्ण नहीं रखते। जितनी अच्छी फिल्म होगी, जितना कंटेंट होगा, 3000 स्क्रीन्स पे भी फिल्में, जैसे कि गुड न्यूज आज 12 दिनों में 172 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करके गई है। इसलिए ये सब चीजें बस बताने की चीजें हैं, बोलने की चीजें हैं, इसका उपयोग कुछ नहीं होगा अगर फिल्म अच्छी होगी तो। नंबर टू बात करें तो गाइस, तानाजी द अनसंग वॉरियर इज अ क्लैश फिल्म, इट्स क्लैशिंग विद छपाक, जो अच्छे खासे स्क्रीन ले जाएगी मल्टीप्लेक्सेस में, एंड दरबार का हिंदी वर्जन। ये सब बातें आप लोग प्लीज जहन में रख लीजिए। अब गाइस बात करते हैं इसकी एडवांस बुकिंग की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पहले दिन की एडवांस बुकिंग बता रहा हूँ। एंड खुशखबरी की बात यह है कि तानाजी द अनसंग वॉरियर को रिलीज से पहले 6100 यानी कि 6100 स्क्रीन मिल चुके हैं, जिसपे एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 80 लाख की यानी कि 77 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो कि एक जबरदस्त साइन है। दुख की बात यह है कि आजकल एग्जीबिटर्स फिल्मों के एडवांस बुकिंग पहले से शुरू नहीं करते। मैं इसीलिए धर्मा की हमेशा तारीफ करता हूँ, धर्मा प्रोडक्शंस की, क्योंकि गाइस धर्मा जब भी आती है वो अपनी फिल्मों की बज इस तरह गर्म कर देती है। नो डाउट तानाजी द अनसंग वॉरियर की बज पागलपना है। अगर आप टिकटॉक देख रहे हो या ट्विटर देख रहे हो, वहां पे अजय देवगन के फैंस ने धमाका कर दिया है। लिटरली जो रारा रारा गाना है, रा 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 रा, उस पे ऐसे ऐसे वीडियोज मैंने देखा हूँ मैंने आंखों से, लिटरली That is out of the world. कोई बंदा है वो रा 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 के वीडियोस बना रहा है, he's looking really menacing. बस जबरदस्त फिल्म का, लेकिन बस को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग खोलने की आवश्यकता है। मुंबई जहां पर 1000 shows की कैपेसिटी एक फिल्म को मिनिमम मिलती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी 225 to 230 shows की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, यानी कि एडवांस बुकिंग बराबर तरीके से अभी तक शुरू नहीं हुई है। बात करें गाइज अभी हम कितने शोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको ये दबंग 3 के टाइम पर भी कहा था कि शोज से मतलब नहीं होता, यू नो स्क्रीन से मतलब नहीं होता। 5000 स्क्रीन में भी अगर आपको सिर्फ 10000 शोज मिले तो आप क्या कर लोगे? इसीलिए शोज महत्वपूर्ण है। तानाजी के पास अभी 6100 शोज आ चुके हैं, एंड हम लोग कहीं ना कहीं 10.5 से 11000 शोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस साल हाउसफुल 4 के पास 11000 शोज थे, यानी कि 11000 शोज थे। दबंग 3 के पास 11160 शोज थे, तो वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 11000 शोज फॉर तानाजी द अनसंग वॉरियर। अब गाइस बात करते हैं स्क्रीन्स की, तो ये फिल्म 3500 स्क्रीन्स पकड़ के चल रही है। अब गाइज और स्क्रीन्स ऐड होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि देयर इज अ मराठी वर्जन ऑल्सो रिलीजिंग, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये फिल्म 3D में आ रही है, एंड हिंदी 2D में आ रही है, हिंदी 3D में, मराठी में ये सिर्फ 2D में आएगी। यानी कि और स्क्रीन्स ऐड होंगे, यानी कि ऑफिशियल स्क्रीन काउंट इसका जब तक रिलीज नहीं होती, रिलीज के दिन 11:30-12 बजे तक पूर्ण तरीके से पता चलेगा कितने स्क्रीन इसे मिले हैं या नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज तानाजी द अनसंग वॉरियर को यह रहेगा कि ये फिल्म 3D में आ रही है, जिसका कॉस्ट 3D का बहुत ज्यादा रहेगा। ATP अभी तक इसका मुझे पता नहीं चला है, मतलब टिकट प्राइसेस आर अ बिट हाई, वो मैं आपको सब अभी आने वाले दिनों में बताऊंगा। बात करें गाइस दिल्ली NCR की, तो 260 शोज में गाइस सिर्फ और सिर्फ 6 fast filling है, एंड गाइस यहां पर हाउसफुल 4 shows है, 37% की ऑक्यूपेंसी है। मुंबई में अभी 20 2D शोज है, हिंदी 7 मराठी शोज है, एंड 230 कुल मिला के शोज है, जिसमें से 9 fast filling है, 1 hausfull है, 3% की ऑक्यूपेंसी है। बात करें पुणे की, तो 103 शोज में सिर्फ 4 fast filling है, कोई भी शो फुल नहीं है, 5% की ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु में सिर्फ और सिर्फ 10 shows है, 1% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में जस्ट 35 shows, 3% ऑक्यूपेंसी। एंड गाइस बात करें कोलकाता की, तो 103 शोज मिले हैं, अच्छे खासे शोज है और बढ़ने चाहिए। 3 fast filling है, कोई भी फुल नहीं है, 2% की ऑक्यूपेंसी है। बात करें गाइस अभी चेन्नई की, चेन्नई में 22 शोज मिले हैं, 5 fast filling है, कोई भी शो फुल नहीं है, 10% की ऑक्यूपेंसी है। चेन्नई में फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि गाइस चेन्नई में जब भी कोई हिंदी फिल्म 3D में रिलीज होती है वो बहुत ही धमाकेदार बिजनेस करती है। सो गाइस अभी फिलहाल फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग नहीं खुली है, बहुत लोगों ने मेरे को मिसअंडरस्टैंड भी कर लिया, दे वर लाइक टू एडवांस बुकिंग एपिसोड बना नहीं रहा तानाजी के। सबसे पहली बात तो गाइस मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। दूसरी बात है एडवांस बुकिंग हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि शोज ही नहीं खुले हैं। आई डोंट वॉन्ट टू स्प्रेड नेगेटिविटी फॉर अ फिल्म बिफोर इट्स रिलीज, इसलिए मैं वीडियोज नहीं बना रहा था। लोग मुझे मंडे से कह रहे हैं मंडे 1% एडवांस बुकिंग भी नहीं हुई थी, तो ये फिल्म एडवांस बुकिंग पर निर्भर नहीं है। बात करें एडवांस बुकिंग कितना क्रॉस करना चाहिए, अभी 77 लाख हो चुका है, एंड वी हैव ऑलमोस्ट टुमारो थर्सडे लेफ्ट फुल, अभी वेडनेसडे आधा बचा हुआ है। एंड गाइस बात करें गुड न्यूज की, एडवांस बुकिंग 5 करोड़ की हुई थी सिर्फ, अभी 172 करोड़ कमा के बैठी है। ओके, यहाँ पर गाइस बात करें अन्य फिल्मों की, तो गली बॉय की एडवांस बुकिंग 5.67 करोड़ की थी,
केसरी की 5.16 करोस, बाटला हाउस 4.72 करोस, इसको बीट करना एटलीस्ट हाउसफुल फो को जो 4.53 करोस की एडवांस बुकिंग लेके ओपन की थी इसने। लेट्स सी गाइस, मैं आने वाले अभी कुछ ही समय में आपको और रिपोर्ट्स लाके दूंगा तानाजी द अनसंग वॉरियर की। फिलहाल फिल्म ठीक ठाक चल रही है एंड अकॉर्डिंग टू दिस माय प्रेडिक्शन फॉर तानाजी द अनसंग वॉरियर इट्स फर्स्ट डे विल बी समवेयर अराउंड 14-15 करोस, 14 से लेकर 15 करोड़। फिर गाइस ये फिल्म आपको देखना जरूरी है जाकर, अगर आप ये फिल्म देखने नहीं जाओगे तो यू वॉन्ट कम टू नो दिस इज एन अनसंग स्टोरी ऑफ अ वॉरियर, अ ट्रू वॉरियर हु फॉट फॉर द कंट्री, यानी कि ऐसे शख्स की कहानी जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है अपनी, यानी ऐसी फिल्मों को सपोर्ट आपको करना ही करना है जाकर एट एनी कॉस्ट। ओके गाइस, जाइए टिकट्स बुक कीजिए अपनी तानाजी द अनसंग वॉरियर की एंड डोंट लेट द एफर्ट ऑफ अजय देवगन एंड ऑल हिज आर्टिस्ट एंड द डायरेक्टर्स गो इन वेन। इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्म को बनाया गया है। इसमें सैफ अली खान है, इसमें काजोल अजय देवगन है, इसमें बहुत सारे अन्य कलाकार है, शरद केलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज विल यू नो विन योर हार्ट्स उनके अभिनय से। ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन, तानाजी।